हेलो बच्चों, वेलकम टू विनोद सर फिजिक्स। माय नेम इज विनोद कुमार। सो आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। आपको बताना चाहेंगे जो आपका 9th का केमिस्ट्री है उसमें कितने चैप्टर है? 4 चैप्टर। ठीक है, बट मैं जो है एक उसमें एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ाऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, जो कि 9th में भी काम आता है और 10th में भी। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग, एंड सेकेंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, लास्ट चैप्टर, 4 चैप्टर है हमारे पास और मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा एक केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा क्योंकि वो 9th में भी काम आएगा और 10th में भी। ठीक है, बेसिक चैप्टर है। तो देखिए क्या है हमारे पास? मैटर इन आवर सराउंडिंग। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आस पास के चारों तरफ का क्या? मैटर। तो सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए अबाउट मैटर? मैटर क्या होता है? सिंपल बात है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखा होगा, एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग, कुछ भी जो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे। क्या करे? स्पेस ऑक्यूपाई करे, एंड उसके पास क्या हो? कुछ ना कुछ मास हो। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या हो? मास हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैटर। ठीक है, मैटर वो होते हैं जिसके पास क्या हो? कुछ ना कुछ स्पेस हो और क्या हो? मास हो। ठीक है, एनीथिंग दैट हैज ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज नोन एज मैटर। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको मैंने लिखा है। तो देखिए कुछ क्या, इन एडिशन टू मैटर, ठीक है, सॉरी, फ्रॉम रॉक टू पिज्जा, रॉक पत्थर, ठीक है, रॉक टू पिज्जा टू पीपल, ठीक है, ये सब क्या है? मैटर का एग्जांपल है। जैसे कि मार्कर, हम लोग, ठीक है, बोर्ड, मतलब कि जो भी चीज होगा इस यूनिवर्स में, ठीक है, वो सब क्या है? मैटर है। ठीक है, जो क्या करे? स्पेस, और जिसके पास क्या हो? मास। ठीक है, तो भैया सिंपल सा बात है, जिसके पास मास हो वो क्या है? मैटर। यहां पे देखिए लाइन लिखा हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है, इन एडिशन टू मैटर द यूनिवर्स इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ एनर्जी। ठीक है, यूनिवर्स में क्या है? एनर्जी से कंपोज है। और मैं बताना चाहूंगा कि जो यूनिवर्स से जितने भी चीजें ना अर्थ पे आती है लगभग लगभग, वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे कि गामा, एक्सरे, यूवी, इंफ्रारेड, ये सब। ठीक है, तो ये सब एनर्जी है और वेव है। वेव का मास से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो भैया जो वेव होता है, ठीक है, जो एनर्जी होती है वो थोड़ा सा क्या है? मास से डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है एनर्जी। ठीक है, तो बट इन एडिशन टू मैटर, मैटर से ना क्या है, ये थोड़ा सा अलग पार्ट है। ठीक है, मतलब कि एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा रिलैक्स कॉन्सेप्ट है, किससे? मैटर से। ठीक है, तो एनर्जी और मैटर में कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल सा, इन एडिशन टू मैटर द यूनिवर्स इज ऑल्सो कंपोज ऑफ एनर्जी, जैसे कि हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट जो है क्या है? एक लाइट जो है पार्टिकल के रूप में भी काम आता है और वेव के फॉर्म में भी काम आता है। ठीक है, तो लाइट जो है एनर्जी के फॉर्म में भी काम आता है। तो भैया लाइट को मैटर हम नहीं बोल सकते। ठीक है, कब बोलेंगे? जब उसका पार्टिकल नेचर बोलेंगे तब। ठीक है, इसमें कंडीशन लगा होगा। ठीक है, लाइट वगैरह में। ठीक है, सिंपल सा, भैया जब वेव पढ़ेंगे तो भैया ये मैटर है ही नहीं, जब पार्टिकल पढ़ेंगे तब मैटर होगा। ठीक है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, जितना भी इस संसार में मैटर है, ठीक है, जो भी हमारे पास बॉडी है वो क्या होता है कि दो तरह से होता है। एक तो या हो सकता है वो वेव की तरह काम करे, या हो सके वो पार्टिकल की तरह काम करे। पार्टिकल की तरह काम करेगा तो मास होगा, मास होगा तो मतलब मैटर होगा। वेव की तरह काम करेगा, ठीक है, तो भैया एनर्जी होगा और वो मैटर नहीं होगा। ठीक है, दोनों मतलब इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो, अकॉर्डिंग टू अर्ली साइंटिस्ट, जो हमारे पास बहुत पहले के साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू अर्ली साइंटिस्ट, ठीक है, कनाट वगैरह सब, ठीक है, उन्होंने मैटर को डिफाइन किया कितने पार्ट में? 5 पार्ट में। मैटर या एलिमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 5 पार्ट में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है? अर्थ, दूसरा है एयर, तीसरा है फायर, नेक्स्ट है वाटर, एंड क्या है? स्काई। मतलब कि जितना भी मैटर है इस संसार में, इस पांचों पार्ट से मिलने से बनता है। अर्थ, एयर, फायर,
वाटर, ठीक है, अर्थ एयर फायर वाटर स्काई, इसमें जितना भी चीज है ना, मतलब आप पूरे अर्थ पे जितने भी मैटर्स देखते हो, इस सब के मिलने से बनता है, सबके मिक्सचर से बनता है, ठीक है, अर्थ एयर फायर वाटर एंड स्काई। अब क्या है हमारे पास, इतना समझ में आ गया, आप इसे लिख सकते हो आराम से कॉपी में राइट डाउन करते चलो, ठीक है। आगे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, भैया मैटर के कुछ ना कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं, उसको समझना पड़ेगा हम लोग को। भैया देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर क्या है, तो सबसे पहली बात कि जो मैटर है ना उसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होता है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म क्या होता है सर, आगे आएगा, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म देखो कौन कौन सा होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, आगे हम लोग पढ़ेंगे मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किए, ठीक है, सॉलिड लिक्विड लिक्विड गैस प्लाज्मा आइंस्टीन बोस कंडेंसर, अभी आने वाला ये सब चीज, ठीक है। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर, मैटर के जितने भी फॉर्म है उसके पास सब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है, कॉमन मतलब सब में कुछ ना कुछ सिमिलर होता है, ठीक है। तो भैया उसी कैरेक्टरिस्टिक को हमने क्या किया यहाँ पे लिस्टेड किया है, वो लिस्ट है हमारे पास, और मैटर का वेरियस फॉर्म कौन कौन सा हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस, ओके, एंड प्लाज्मा, और क्या है आइंस्टीन बोस कंडेंसर। अभी तक सात मैटर का सात पार्ट है, ठीक है, मैटर को मैटर के कितने फॉर्म है, सेवन, बट अपने सिलेबस में कितना है, फाइव, कितना है फाइव, ठीक है, हम आपको सातों बताएंगे बट पढ़ना कितना है पांच, ओके। सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं, तो पहली बात मैटर के पास क्या होता है, मास होता है, क्या होता है मास। अब ये बात कैसे कह रहे हैं, सिंपल सा देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक पूरा ब्रिक है, ठीक है, एक क्या है हमारे पास फुल ब्रिक है इस तरह से, ठीक है, एक क्या छोटा सा ब्रिक, ठीक है, सिंपल सा, जब इसको क्या करेंगे हम लोग, वेट करेंगे वेटिंग मशीन से, दोनों का मास क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब कि मैटर हैज सम मास, मैटर के पास क्या होता है कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है, वो भी डिफरेंट मैटर क्या होगा, डिफरेंट मास होगा। ये मार्कर है सिंपल सा, इसका वेट कुछ और होगा, और ये क्या है हमारे पास इंक, इसका कुछ क्या होगा, डिफरेंट होगा, ये भी क्या है मैटर, दोनों का मास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मैटर जो है क्या करता है, जगह छेकता है, मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, मैटर क्या करता है, जगह छेकता है। भैया कैसे छेकता है, जैसे ये मान लो बोर्ड है, यहाँ पे क्या कोई दूसरा चीज हम डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, जैसे मान लो पर्दा लगाएंगे क्या होगा, ये बोर्ड तो ढक जाएगा ना, तो इस जगह पे कौन सा आ गया, पर्दा आ गया। जैसे सिंपल सा मान लो इस दोनों उंगली के बीच में क्या है, मार्कर है, अभी मान लो इसको हटा के क्या कि ये डब्बा डाल, तो क्या भैया एक साथ दोनों चीज को होल्ड करना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मान लो कि जहां पे हम अभी हैं खड़ा, ठीक है, वहां पे टेबल रखी है, टेबल लगी, तो क्या हम यहाँ पे खड़ा हो पाएंगे, नहीं ना, टेबल के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। तो भैया क्या करता है कि डिफरेंट डिफरेंट मैटर, डिफरेंट डिफरेंट क्या करता है, जगह भी छेकता है, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स क्या करता है, अलग अलग जगह को ऑक्यूपाई करता है, वो क्या करता है, उसे भरता है। जैसे कि हमारे पास मान लो बुक सेल्फ है, अलमीरा है, अगर उसमें पूरा बुक भर दें, ठीक है, क्या कोई हम नया बुक उसके अंदर डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, मान लो पूरा फिलअप है पूरा, ठीक है, तो क्या हम उसके अंदर डाल सकते हैं, नहीं। जैसे कि मान लो सिंपल सा एक जग है, उसमें पानी भरा हुआ है फुल, ऊपर से पानी डालेंगे क्या, नहीं डालेंगे, वो क्या होगा, बाहर गिर जाएगा। तो मैटर क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, आगे मैटर है इनर्शिया, मैटर के पास क्या होता है, इनर्शिया होता है, इनर्शिया क्या होता है, अभी समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये बोर्ड है अपने स्थान पे यहाँ पे, तो क्या ये अपने आप चल के कहीं जाएगी, नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसे उठाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जो है क्या करेगा, ये अपने स्थान से हिलेगा। तो भैया इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया होती है किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी। अगर कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना उसको पसंद होता है, कोई चीज मोशन में है तो उसे मोशन में रहना क्या होता है, पसंद है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। तो सारे मैटर के पास क्या होता है, इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, समझ में आ गया। इनर्शिया क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया, ठीक है। नेक्स्ट है, मैटर इज इफेक्टेड बाय ग्रेविटी, कोई भी मैटर है ना वो किस चीज से इफेक्टेड होता है, ग्रेविटी से। अब ये ग्रेविटी क्या है, सिंपल सा कोई भी चीज है, अगर हम उसे क्या करेंगे, ऊपर थ्रो करेंगे, मान लीजिए बॉल है, ठीक है, उसे ऊपर थ्रो करेंगे
तो वो बॉल क्या होता है कि जो अर्थ का ग्रेविटी है, अर्थ का जो ग्रेविटी है क्या होता है, सिंपल सा, वो ग्रेविटी से अट्रैक्ट होता है और वो नीचे आता है। तो जितना भी मैटर है उसके पास क्या होता है, मैटर है वो किससे होता है, इफेक्टेड ग्रेविटी से। जैसे एक मैदान में फील्ड में ना फुटबॉल रखा हुआ है, ठीक है, क्या रखा हुआ है, फुटबॉल, ठीक है। तो फुटबॉल रखा हुआ है तो उसको क्या करते हैं, हम किक करते हैं सिंपल सा, तो वो अपने आप कहाँ जाता है, ऊपर जाके फिर कहाँ आता है, नीचे। किसके वजह से, अर्थ के ग्रेविटी के वजह, अर्थ के ग्रेविटी के वजह, ठीक है। आगे क्या है, मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, मैटर क्या होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये फैक्ट है, मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। इसको किसने बताया था, इसको बताया था लेवाजर ने। अब इधर मिटाते हैं, ठीक है, मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, ठीक है, मैटर जो है कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अब ये बात को ना हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आप लोगों को। मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, मैटर जो है इस यूनिवर्स में कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ये एक्सपेरिमेंट किया था किसने, लेवाजर, ठीक है, और इन्होंने दिया था एक कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए मैं इसके बारे में बता रहा हूं, मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, क्या दिया था, वो दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। भैया देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, इन ए केमिकल रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन ए केमिकल रिएक्शन, जितना जो है मास शुरू में होगा उतना ही मास क्या होगा, बाद में होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। इस लॉ के साथ आगे आएगा सेकेंड चैप्टर में, बट यहाँ पे ये लाइन आ गया ना, तो मैं समझा रहा हूँ मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय कैसे। तो इस ये दिया था थ्योरम लेवाइजर ने, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेवाइजर। एक बार और बताना चाहूंगा मैं आपको, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेवाइजर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। मैंने केमिस्ट्री के डेफिनेशन में ये नहीं बताया है, तो यहाँ जान लो लेवाइजर क्या है, फादर ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया, लेवाइजर ने। तो ये देखो क्या है, थोड़ा सा क्या इसका एक्सपेरिमेंट क्या था, मैं वही बता देता हूं, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या था उनका, उसका जो एक्सपेरिमेंट था कुछ इस तरह का था। देखिए, जानम जान लो बित गई दुनिया, ये देखो फ्लास्क है, ठीक है, ये ना लैब में रखा होता है, एक जो केमिस्ट्री का लैब होता है वहां पे फ्लास्क होता है, इसके अंदर क्या किए हम, गैस भर रही है, क्या किए, गैस, ये मान लो ना कुछ प्रेस करने वाला है, ठीक है, ये वाला गैस भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, गैस, और इसके अंदर टीन लग दी, क्या लग दिया, टीन। लेवाजर ने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, उसके अंदर गैस भर दिया O2, ठीक है, ऑक्सीजन गैस भर दिया इसके अंदर, कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस, इसके अंदर टीन रख दिया, और इसको क्या किया, हीट किया, क्या किया, हीट, भैया इसको गर्म किया, टेम्परेचर हीट दिया, क्या दिया, हीट। तो देखा गया कि जो टीन है, मतलब ये हीट होके क्या हुआ, जो टीन है हीट होने के बाद, ठीक है, टीन का फॉर्मूला होता है SN, टीन को हीट करने के बाद क्या हुआ, सिंपल सा कि ये जो है ऑक्सीजन के साथ मिल गया और बना दिया क्या, टीन ऑक्साइड, क्या बना दिया, टीन ऑक्साइड। देखिए ये जो है ना हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, लेवाजर का एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। गैस लिया O2, टीन लिया, हीट कर दिया, देखा कि भैया जो टीन है ना, टीन हीट हो रहा है, हीटेड होके क्या हो रहा है कि ये गैस के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, टीन ऑक्साइड। फिर उसे ठंडा किया गया, क्या किया गया, ठंडा किया गया, तो कुछ समय बाद देखा गया
कि जो पहले मास था इसके अंदर तीन रखा और ऑक्सीजन रखा, दोनों को वेट कर दिया पहले, ओके, फिर से जलाया, गर्म किया, थोड़ा देर ठंडा कर दिया, उसके बाद फिर से उसका वेट किया तो पाया कि मास क्या है, पहले वाला और बाद वाला दोनों क्या है, सेम है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। मैटर का जो है सिर्फ फॉर्म बदल सकता है, ठीक है, मतलब पहले तीन था तो कुछ उसके साथ ऑक्सीजन मिल गया तो तीन ऑक्साइड हो गया, ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल से भी देख सकते हो, जैसे कि ये देखो H2+O2 है, ये होता है H2O, बैलेंस कर लेते हैं तो भैया यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे भी 2 रख दो। अब देखो मास कैलकुलेट करते हैं, 2 × ये कितना है 2, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 2 = 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 2 ये जाएगा 2+16 देखो यहाँ पे ये जाएगा 4+32 ये हो गया 36 मुझे कितना हो गया 36। क्या दोनों इक्वल है? बस यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कभी भी क्या होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ये गैस था, H2 गैस है, O2 भी गैस है, रिएक्शन कर रहा क्या बन गया H2O, जो कि क्या होता है लिक्विड। गैस गैस मिलकर क्या बना, लिक्विड बना। तो भैया सिर्फ फॉर्म में चेंज होता है, मास या मैटर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है। तो आज आपने क्या पढ़ा, एक बार रिविजन करते हैं। मैटर क्या होता है, ठीक है, मैटर होता है जो स्थान से के स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसके पास क्या हो, सब मास हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैटर। एनर्जी, एनर्जी जो है मैटर नहीं होता है, सिंपल सा, दोनों आपस में क्या रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ओके। आपको दोबारा देखना है तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, सिंपल सा देख सकते हैं। आगे क्या था, सिंपल सा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, तो 5 या 6 कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास, ठीक है, इसको आप याद रखिए सबके बारे में। अब आगे क्या आएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, क्या पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या आएगा, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, और क्या आएगा, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग ये वाला, ठीक है, ओके। फिजिकल मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग इतना पढ़ते रहिए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए और घर में रहिए, सिंपल सा, ठीक है, सुरक्षित रहिए। आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो आप इसे क्या कीजिए, जो भी सोशल मीडिया आपके पास लिंक है उस पर आप इसको डालिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। घर में बैठ के एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आए, ठीक है, सिंपल सा। जो भी आपको परेशानी हो या फिर जो भी दिक्कत हो, ठीक है, आप कॉमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, हम जो है आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।